हैं, ये भजन श्री गोपीनाथ जी के चरण में प्रार्थना करते हैं। देखो क्या प्रार्थना करते हैं, बोले गोपीनाथ अमार भरसा तुम्हें, कहते हमारा भरसा कौन है, बोले तेरे सिवाय जगत में हमारा कोई भरसा है नहीं, इसलिए हम आपका चरण में हम शरणागत होते हैं, इसलिए आप क्योंकि हम अपना आपका मैं दास हूँ। बोले गोपीनाथ के मन ने सोधी में मरे, बोले हमारी अंदर में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य हमारी कण कण में ये भरा हुआ है, हमारी कण कण में ये सब गंदी चीज भरी पड़ी हुई है, इसलिए इसलिए प्रभु कहते नाही मम बल ज्ञान सुनिर्मल स्वाधीन नहीं काया, कहते प्रभु जी मेरा जो मन है बड़ा दुर्बल मेरा मन है और ये शरीर भी हमारी अधीन नहीं, इसलिए ठाकुर जी आपके चरण में हम रो रो करके हम प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं, ये माया जो है ये बड़ा ताकत है, ये माया देखो ध्यान देकर सुनो ब्रह्मचारी लोग ध्यान देकर सुनो, ये श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ये बात नहीं, श्रील भक्ति वेदांत श्रील बामन गोस्वामी महाराज कहते थे, देखो ध्यान देकर सुनो ब्रह्मचारी कहते श्री भक्ति वेदांत श्रील बामन गोस्वामी महाराज कहते थे, बोले हर ब्रह्मचारी साधकों को रोज ये कीर्तन करनी चाहिए, तो बामन गोस्वामी महाराज कहते थे क्यों ये कीर्तन करनी चाहिए, कारण क्या है, कहते इसमें हमारी जो हृदय है ना इसको खोल करके यहाँ पर रख दिया, हमारे हृदय में क्या है, काम है क्रोध है लोभ है मोह है, देखना गंदी चीज में अपने आप जाता है, भगवान की भजन में मन लगाने के लिए तो इसको सोचना पड़ता है, लेकिन गंदी चीज में देखना अपने आप गंदी चीज में जाता है, गंदी चीज में, इसलिए बामन गोस्वामी महाराज कहते थे अगर रोज ये कीर्तन करेंगे ना ये गोपीनाथ जी के चरण में तुम्हारे हृदय धीरे धीरे शांत हो जाएगा, फिर तुम्हारे हृदय विषय भोग में नहीं जाएगा, तुम्हारे हृदय गंदी चीजों में नहीं जाएगा, वो कहते थे ये भजन को रोज करो, ये भजन और एक भजन ही अमार जीवन सदा पापे रहतो नाही को पुण्य लेस, ये कीर्तन ये दो कीर्तन बामन गोस्वामी महाराज कहते थे, अमार जीवन सदा पापे रहतो, हमारा जो जीवन है हर समय पाप में ही रहते हैं, और वो भजन में जो जो बताया भजन में बहुत अच्छी बात बताया, हमारे हृदय में ईर्ष्या है द्वेष है कलह है, दूसरों को बड़ाई सुने तो हमारे हृदय में जलस आ जाती है, वो कैसे हमसे बड़े हो सकते, हम सबसे बड़े हम ही, इसलिए उसमें दूसरा का दुख देख करके सुखी हो जाते हैं, दूसरा का सुखी देख करके हम दुखी हो जाते हैं, इसलिए है हम लोग क्यों ज्यादा दुखी है, अपना दुख में ज्यादा दुखी नहीं है, दूसरों का सुख देख करके हम ज्यादा दुखी होते हैं, दूसरे की बड़ाई देख करके हम ज्यादा दुखी होते हैं, हैं? वो चैन से कैसे जी रहा है, वो व्यक्ति चैन से कैसे जी रहा है, इस चीज को देख कर हमारे अंदर में दुखी होता है, इसलिए बामन गोस्वामी महाराज कहते थे रोज अगर भजन करना तो रोज हृदय से, वो कहते थे हृदय से रोज ये कीर्तन करो, अगर हृदय से रोज ये कीर्तन करोगे ना केवल गोपीनाथ ही हमारे हृदय को शोधन करके हृदय को हमारे पवित्र की गोपीनाथ कर सकते हैं, जगत में कोई नहीं जो हमारे हृदय को साफ कर सकते हैं, इसलिए पूरा हृदय को खोल करके यहाँ पर उन्होंने रख लिया, इसलिए देखो क्या क्या कहते हैं, गोपीनाथ तुम्हें तो सकली पार गोपीनाथ तुम्हें तो सकली पार दुर्जन तारी से तुमार सकती दुर्जन तारी से तुमार सकती के आचे पापी रार गोपीनाथ के आचे पापी रार गोपीनाथ तुम्हें कृपा करा पारा गोपीनाथ तुम्हें कृपा करा आज बर करनी आसिया प्रपंचे जीवर धारणी आसिया प्रपंचे लीला कैला दो मिसार गोपीनाथ लीला कैला दो मिसार गोपीनाथ आमे की दोसे दोसी गोपीनाथ आमे की दोसे असुर सकल पाई न चरणा असुर सकल पाई न चरणा विनोद काली लगासी गोपीनाथ
इसमें कह रहे हैं देखो हमारे हृदय में तो काम क्रोध लोभ है, लेकिन अभी प्रश्न ही क्यों नहीं जा रहा है? प्रश्न है ना, क्यों नहीं जाता है? हम तो भजन करने के लिए आए, क्यों नहीं जाता है? देखो उसका कारण बताते हैं। बोले गोपीनाथ कांदिया कांदिया मांगे ए पामर। अगर हमारे हृदय में जो गंदगी है, अगर रो रो करके ठाकुर जी के चरण में प्रार्थना करेंगे तब तो जाएगा। अगर हमारे हृदय में जो गंदगी अगर उसको छुपा करके रखेंगे, ठाकुर जी को प्रार्थना नहीं करेंगे, फिर जाएगा जाएगा। इसलिए क्या करनी चाहिए? रो रो कर ठाकुर जी के चरण में प्रार्थना करनी चाहिए। ठाकुर जी मेरा हृदय सबसे गंदा है, हैं? और क्या कह रहे हैं? बोले गोपीनाथ तुम्हें तो सकल ही पारो, क्योंकि भगवान कृष्ण है, वो सब कुछ कर सकते हैं। वो है को नहीं, नहीं को है, दिन को रात, रात को दिन कौन कर सकता है? ठाकुर कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं बोले ठाकुर जी तुम्हें तो सकल ही पारो, तुम तो सब कुछ कर सकते हो। दुर्जन तारी थे तुम्हारे सकति के आचे पापी रहा। कर जगत में सबसे बड़े दुर्जन को दुष्ट कौन है? मैं हूँ। मो सम कौन कुटिला खलकामी। अगर हम सोचने लगे जहाँ जगत में हम सबसे बड़े हैं, हमसे दुनिया से भी बड़े है, ये तो हो गया था। इसलिए क्या सोचनी चाहिए? जगत में हम सबसे गंदा, जगत सबसे बड़ा गंदा मैं हूँ। इसलिए दुर्जन तारित जगत, जैसे कहते ना जगाई मादाई है तो मुझसे पापिष्ट। कौन कह रहे हैं? कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे जगाई मादाई से भी मैं ज्यादा पापी हूँ। वो जब इतने बड़े व्यक्ति कह रहे कह सकते हैं, हम तो कौन सा नाल के कीड़े हैं। इसलिए कौन सा भावना आनी चाहिए? कभी भी अपना अंदर में कोई अभिमान नहीं रहनी चाहिए। अभिमान सुरापा, अभिमान मतलब तो शराब पीना है, अभिमान सुरापा। इसलिए अभिमान कभी नहीं रहनी चाहिए। यही अभिमान का वजह से हम इतना संसार में दुर्गति भोग कर रहे हैं, हैं? इसलिए महाप्रभु क्या कहते हैं? दासानुदास, हम संतों का, दासों का, दासों का हम दास, ये भावना रहनी चाहिए। बोले दुर्जन तारित तुम्हारे शक्ति, हम जगत में सबसे बड़ा दुर्जन, इसलिए प्रभु ये जो हम दुष्ट हैं, ये दुष्ट को कौन लाभ क्यों आए हो? बोले जीवर कारण आसिया प्रपंच लीला कैले सुविस्तार। बोले इसलिए जगत में आप आए हो, दुष्टों को कल्याण करने के लिए, जीव को कल्याण करने के लिए ही जगत में आप आए हो। इसलिए प्रभु मैं कौन सा दोषी हूँ? क्योंकि असुर सकल पहले चरण जगाई माता का उद्धार कर लिया, हिरण्यकश्यप को उद्धार कर दिया, हैं, रावण को उद्धार कर दिया। जब इतने बड़े बड़े दुष्टों को आप उद्धार कर दिया है, फिर ये अधम को क्यों उद्धार नहीं कर रहे हैं? विनोद थाकिला बसे, सबका आपने उद्धार कर दिया, केवल अकेला ही हम संसार में पड़े रह गए। इसलिए उसमें हर कीर्तन में ना इतनी अच्छी अच्छी भावना, भक्त विनोद ठाकुर इतनी अच्छी अच्छी भावना बताए। इसलिए बामन गोस्वामी महाराज कहते थे अगर कोई साधक रोज ये कीर्तन करे और हृदय को खोल करके ठाकुर को रो रो कर प्रार्थना करे, हमारे हृदय में काम क्रोध लोभ दुनियादारी संसार की गंदी चीजें, ठाकुर जी हृदय से जा ही नहीं रहा है, हृदय से जा ही नहीं रहा है। अगर ठाकुर जी को प्रार्थना करना गोपीनाथ जी को, बस हृदय अपने आप हृदय साफ हो जाएगी, हृदय। इसलिए बामन गोस्वामी महाराज कहते थे ये दो कीर्तन रोज करो। कौन सा कीर्तन? हमारे जीवन सदा पापे रहता ना ही का पुण्य ले, और दूसरा कीर्तन गोपीनाथ मामा भी। ये दो कीर्तन इसकी सचमुच इसकी भावना को समझो, भावना को समझ कर हृदय खोल करके ठाकुर जी को प्रार्थना करना। बामन गोस्वामी महाराज कहते थे जरूर ठाकुर हमारे हृदय को निर्मल कर दे, जरूर ठाकुर निर्मल करते हैं। वो कहा करते ठीक है ना, ये कीर्तन रोज होता ना, ये रोज कीर्तन को समझ करके नहीं ऐसे बोल गाना हो गा लिया, नहीं, उसमें जो मतलब बता रहे हैं वो मतलब को समझते हुए भावना को ठाकुर का चरण में प्रार्थना करनी चाहिए, ठीक है ना। बोले श्री गोपीनाथ जी की, बोले श्री तोटा गोपीनाथ की, पिता गौर ब्रह्मानंद हरी हरी बोल। हाँ हरे कृष्णा। हाँ सब ध्यान देकर सुनो, हिंदी भाषी है कोई? सब हिंदी भाषी पीछे बैठे थे, आगे कोई नहीं, सामने आकर बैठे जाओगे सब। इसलिए देखो अभी हम जिस मंदिर में आए हैं
ये मंदिर का नाम है तोटा गोपीनाथ। क्या नाम है? तोटा गोपीनाथ। बोले श्री तोटा गोपीनाथ की जय। कुछ कुछ लोग सो रहे हैं, चलते चलते आए ना इतना दूर तक। चलिए बताई गौर ब्रह्मांड हरे कृष्णा। कहते जो मंदिर का नाम तोटा गोपीनाथ है, हैं? तोटा गोपीनाथ। अभी हम लोग नवद्वीप परिक्रमा करते हुए आए। कौन सा धाम परिक्रमा कर रहे थे? नवद्वीप धाम को। कहते वहां पर महाप्रभु ने सन्यास लीला तक, बचपन से लेकर के सन्यास लीला तक उन्होंने वहीं पर की। लेकिन इस सन्यास को बाद में महाप्रभु कहां पर आए? श्री जगन्नाथपुरी आए। इसलिए उनका जो सन्यास लीला है उन्होंने यहीं पर उन्होंने सन्यास लीला किया। इसलिए ये पुरी का जो लीला को परिशिष्ट लीला बताया, मत परिशिष्ट मतलब जो लीला उन्होंने नवद्वीप में नहीं किया उसको बाद का लीला महाप्रभु ने यहीं पर किया। इसलिए तब भी ये नवद्वीप परिक्रमा करने का तभी पूरा फल मिलेगा जब कोई पूरी आकर के परिक्रमा करे। पूरी के परिक्रमा के बगैर आपको नवद्वीप, नवद्वीप परिक्रमा का फल आपको पूरी नहीं मिलेगा। क्यों? महाप्रभु ने सन्यास लीला, महाप्रभु ने यहीं पर महाप्रभु सन्यास लीला की है। इसलिए यहाँ पर जो लोग आए ना पूरी परिक्रमा करने के लिए, समझो आपको पूरा नवद्वीप धाम परिक्रमा करने का फल आपकी पूरी हो गई। ब्लस सचिनंदन गौर हरि की जय। ब्लस नित्यानंद प्रभु की जय। का देखो आप लोग ने इतना कष्ट कर क्यों आए? रात भर बस सोए नहीं है, इतना पैसा खर्चा किया, रात को मच्छर काट रहे थे, इसलिए आप लोग इतने परिश्रम करके क्यों आए? कारण क्या? सुन लो, ये ठाकुर जी जीवन में एक ही ठाकुर देखोगे जो बैठे हुए, और जितने ठाकुर देखोगे ना सब खड़े हुए, लेकिन एक ही ठाकुर जो बैठे हुए, इसका कथा सुन लो। कहते ये गोपीनाथ जी, इस ठाकुर का नाम श्री गोपीनाथ जी है। कहते ये गोपीनाथ जी कौन है? बोले हमारे ये प्रयोजन देवता। प्रयोजन देवता मतलब है तीन ठाकुर है, एक संबंध का ठाकुर, एक अविध्य और एक प्रयोजन। कहते संबंध का ठाकुर कौन है? कहते श्री मदन मोहन हमारी संबंध का देवता है। इसलिए हम नाता जोड़े तो किसको साथ में? सबको साथ में नाता नहीं जोड़नी चाहिए है? नाता जोड़े तो श्री मदन मोहन का चरण में। बोले क्यों? बोले मदन मोहन का चरण में नाता क्यों जोड़े? बोले कारण है उनका नाम ही मदन मोहन। मदन मोहन का मतलब क्या? बोले मदन मतलब होता है काम देव, मोहन मतलब ये काम देव को भी जो मोहित कर देते हैं, इसलिए उनका नाम श्री मदन मोहन। बोले श्री मदन मोहन लाल की, इसलिए उनकी कृपा होने पर ये माया को जितना बड़ा कठिन है, ये माया को पार पाना बहुत कठिन है, लेकिन किसकी कृपा से माया से पार हो सकते हैं? केवल श्री मदन मोहन का कृपा से ही हम माया से पार हो सकते हैं, हैं? इसलिए लेकिन जो हमारे अभिधेय का ठाकुर कौन है? बोलो गोविंद। बोले श्री गोविंद देव श्री अभिधेय। अभिधेय मतलब होता है प्रोसेस, हम भगवान की भक्ति करें कैसे, हैं? उसका जो जो साधन भक्ति है उसका ठाकुर जी कौन है? श्री कौन है? बोलो उनका नाम श्री गोविंद देव है। कहते प्रयोजन, प्रयोजन मतलब होता है हमारे जीवन का लक्ष्य। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? किसको जीवन में लक्ष्य चाहते हो? बोले श्री गोपीनाथ ही हमारा जीवन का लक्ष्य है। बोले गोपीनाथ क्यों लक्ष्य है? बोले कारण है ये गोपियों का नाथ है। यद्यपि कृष्ण को भक्ति सब लोगों ने किया है, दास्य रस में जो भक्ति करने वाले वो भी किया, जो सख्य रस में भक्ति वो भी किए हैं, बाथल रस का भक्ति किए हैं, लेकिन सर्वोत्तम रूप में जो कृष्ण को प्रेम में बसीभूत किया है कौन? किसने किया? श्री गोपियों ने किया है। इसलिए कृष्ण गोपियों का साथ में रास लीला करते करते भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे थे, गोपियां ब्रह्मा जैसे परमायु लेकर के भी मैं कभी तुम्हारी ऋणी को चुका नहीं सकता हूं, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे लिए अपना भाई बंधु पुत्र परिवार सबको तुम लोग ठुकरा दिया है, सबके ठुकरा दिया है। एक अनिष्ट रूप में सर्वोत्तम रूप में अगर मेरे चरण में कोई कुछ देने वाले कौन है? ये ब्रज की गोपियां। इसलिए इनका नाम गोपी। गोपी मतलब क्या?
बोले गो मतलब होता है इंद्रियां, अरे पी मतलब होता है पिना। जो इंद्रियों के द्वारा नित्य निरंतर कृष्ण भक्ति रस को जो पान करती हैं, ये कौन है श्री, ये ब्रज गोपियां हैं। इसलिए उन लोगों का जो भक्ति है वो सर्वश्रेष्ठ भक्ति, उनकी भक्ति, उनकी जैसे भक्ति दुनिया में किसकी है नहीं। इसलिए जो गोपीनाथ है ये हमारी प्रयोजन, मतलब यही हमारे ठाकुर जी है, मतलब गोपियों ने जैसे भक्ति की हम भी ऐसे ही भक्ति करना हम चाहते हैं। लेकिन वो भक्ति मिलेगा कैसे, कहते भक्ति को पाने के लिए पहले अपना हृदय को साफ सुथरा करनी चाहिए। हृदय निर्मल हो तब तो ठाकुर बैठेंगे ना। इसलिए उसको पहले हम लोगों ने जो भजन गाया है गोपीनाथ जी की चरण में प्रार्थना किया है, गोपीनाथ जी हमारे हृदय में तो गंदे कैसे भरा पड़ा हुआ है, लेकिन आप तो कहीं साफ सुथरा स्थान में बैठोगे ना, आप तो गंदगी के स्थान में बैठोगे नहीं, इसलिए आप कृपा करके हमारे हृदय में बैठो और हृदय को आप निर्मल कर दो, हृदय को साफ सुथरा कर दो। बोले श्री तोटा गोपीनाथ की। कहती है ठाकुर जी कैसे प्रकट हुई है? इनकी कथा सुन लो। कहती ये यहाँ पर पहले एक बहुत बड़ा बटवृक्ष था, ये बटवृक्ष के नीचे ये ठाकुर जी थे। जैसे वृंदावन में गोपीनाथ जी कहाँ से प्रकट हुए थे बताओ? कहते बंसी भट्ट को नीचे गोपीनाथ जी, बंसी भट्ट को नीचे गोपीनाथ प्रकट हुए। इसलिए ये स्थान भी अभिन्न बंसी भट्ट मानी जाती है। यहाँ पर विशाल बटवृक्ष था। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु भाव में अभिष्ट होकर के कहा जाओ कहा पाओ ब्रजेंद्र नंदन बिना फाटे मोरू है। इसलिए कृष्ण के विरह में मेरा हृदय फट रहा है, कहा जाने पर वो श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया हमें मिलेंगे। एक दिन महाप्रभु हाथ उठा करके प्रेम में भावाविष्ट होकर के महाप्रभु भागते भागते यहीं पर आए। उनको पीछे सारे भक्त लोग भी, उनको पीछे 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 सारे भक्त लोग भी उनको पीछे पीछे आए। और यहीं पर आकर के महाप्रभु यहाँ के जो रेती था ना, रेती को महाप्रभु ने खोदने लग गए और देखते देखते तोटा गोपीनाथ का सर दिखाई पड़ा। बोले देखो, बोले गदाधर यहाँ से एक अनमोल रत्न निकलने वाले हो, ये रत्न मैं तुमको देना चाहते हो लोगे? बोले प्रभु अगर आप कोई रत्न दोगे मैं ग्रहण नहीं करूंगा, जरूर रत्नों को मैं ग्रहण करूंगा। इसलिए उन्होंने यहीं से मिट्टी को खोदते खोदते श्री गोपीनाथ जो ठाकुर जी है ना, ये ठाकुर जी यहीं से रेती को है निकलते निकलते ठाकुर जी रेती से निकल नीचे से ही ये गोपीनाथ जी प्रकट हुए हैं। बोले श्री तोटा गोपीनाथ की। तो आंख खोल कर सुनो, कोई आंख बंद मत करो। इसलिए ये ठाकुर जी कहां से प्रकट हुए, मिट्टी को नीचे से प्रकट हुए। आप देखोगे राधा रानी हर जगह में गोरी है, तो गोरी है ना, कृष्ण काले और राधा रानी कैसे है, गोरी। लेकिन यहाँ पर देखोगे राधा रानी गोरी नहीं, यहाँ पर राधा रानी काली। और ललिता को देखोगे ना, यहाँ पर ललिता को भी देखो, ललिता भी काली है। बोले भैया काली कैसे हो गई? बोले कृष्ण चिंता निवेशन जस कांतर विलंबिता। कहती है कृष्ण चिंता करते 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 राधा रानी श्री कृष्ण अभिष्ट में राधा रानी काली हो गई। इसलिए राधा जी का एक नाम है श्यामा। क्या नाम है? श्यामा। श्यामा श्यामा मतलब क्या है? कृष्ण श्याम है। उनकी चिंतन में डूबते डूबते श्री राधा रानी ये काली हो गई, इसलिए इनका नाम श्री श्यामा है। इनका नाम श्री श्यामा। कहते ना राधे श्याम श्यामा श्याम ब्रज जन मन सुख कारी राधे श्याम श्याम श्याम। इसलिए यहाँ पर राधा रानी काली मिलेगी यहीं पर। यहाँ पर श्री गदाधर पंडित, कहते गदाधर पंडित कौन है? बोले जो कृष्ण लीला में जो राधा रानी थी, जब वही कृष्ण कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप में आए, तब उनको जो श्रीमती राधा रानी ही कहते महाप्रभु लीला में श्री गदाधर पंडित बन करके आए हैं। और ये ठाकुर जी को ये सेवा पूजा वही करते थे। अभी जब महाप्रभु अंतर ध्यान हो गए तो महाप्रभु का विरह में ये गदाधर पंडित भी महाप्रभु विरह में इतने दुखी हो गए। धीरे 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 उनको विरह में एकदम जैसे शरीर छोड़ने वाले
इतने, इसलिए धीरे 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 जब जिन्न सिन्न होने लग गए, एक दिन गदाधर पंडित ने हैं, जब वयस ज्यादा हो गया, उम्र भी ज्यादा हो गई, और आप लोग दर्शन करोगे ठाकुर जी को, जब खड़े ठाकुर जी होंगे ना, बहुत बड़ा विग्रह, ये ठाकुर जी बहुत बड़े विग्रह जब खड़े हो गए। लेकिन अभी धीरे 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 जब इनसे सेवा नहीं हो पाई, तब उन्होंने बोले देखो ठाकुर जी मेरे से और सेवा नहीं हो पाएगा, इसलिए आप कोई दूसरे सेवकों को नियुक्त कर दो, मेरे से और सेवा नहीं हो पाएगा। ठाकुर जी स्वप्न दिए, अभी बोले अभी मैं तुमको छोड़कर कहां जाऊं, कहां मैं ढूंढू अपना सेवक को, इसलिए कोई चिंता मत करो, मैं बहुत लंबा है ना, इसलिए मेरे से मेरे तुम्हारे द्वारा मेरी सेवा नहीं हो रही, कल सवेरे आकर के देखोगे मैं बैठ गया हूं, मैं बैठ गया हूं, फिर मेरी सेवा करना। सचमुच से जब उन्हें दूसरे दिन सवेरे आए और ठाकुर जी के पट खोले ना, दरवाजा खोले, देखा ठाकुर जी खड़े हुए थे, ठाकुर जी बैठे हुए हैं, बोले श्री छोटा गोपीनाथ की जय। बोले एक यहाँ ठाकुर देखोगे, जो ठाकुर जी से पद्मासन करके हम बैठते हैं, सवेरे अगर सवेरे सवेरे 5 बजे आओगे, अब देखोगे वो कपड़ा को हाँ निकाल करके दिखाते हैं, ठाकुर जी कैसे पद्मासन करके, ठाकुर जी कैसे बैठे हुए, ठाकुर जी हाँ पद्मासन करके बैठे हुए। इसलिए तब ठाकुर जी की गदाधर पंडित जी अपना हाथों से ये ठाकुर जी की अपना सेवा करते थे। जब सेवा करते थे, एक दिन क्या हुआ, श्री नित्यानंद प्रभु हैं, नित्यानंद प्रभु जो बंगाल से आए, कहां पर आए, बंगाल से जब उन्होंने ओडिशा आए, उन्होंने ये गोपनाथ के लिए थोड़ा कपड़ा लेकर के आए थे, और उन्होंने और कुछ वहां की एक विशेष चावल है हैं, जो गोविंद भोग चावल, क्या नाम है वो चावल है ना, बहुत छोटा छोटा होता है, लेकिन अगर रोशनी करोगे ना, पूरा ये घर खुशबू खुशबू में, ये घर एकदम खुशबू खुशबू हो जाएगा, बहुत अगर चावल बड़ा, और उसमें अगर तुम खीर बनाओगे ना, है क्या टेस्ट खीर बनेगी है, गोविंद भोग चावल। तब नित्यानंद प्रभु कहां से लेकर के आए थे, बंगाल से। देखो यहाँ शिक्षा देते हैं, जैसे आप अपना किसी परिवार में बेटी के घर में जाते हो, नहीं तो किसी अपना परिवार में जाते हो, आप लोग खाली हाथों में जाते हो ना, कुछ लेकर के जाते हो, अरे बोलो कुछ लेकर के जाते हैं ना, बोले क्यों लेकर के जाते हो, कारण है तुम्हारी उसको प्रति प्रेम, उनको प्रति प्रेम है, तभी तुम कुछ लेकर के जाते हो, हैं? इसलिए नियम बताया, उसी तरह जब आप महाप्रभु के धाम में आओ, भगवान का धाम में आओ, इसलिए बोले खाली हाथों में नहीं आनी चाहिए, खाली हाथ में बताओ, जरूर ठाकुर जी के लिए कुछ लेकर गया। मेरे जो गुरु जी थे ना, वो जब आते थे बंगाल से, मेरे गुरुदेव, वो खाली हाथ से नहीं, वहां से बड़ी सुंदर सुंदर मिठाई, बंगाल का संदेश, रसगुल्ले, और वहां के बड़े सुंदर सुंदर सब्जी, बड़े सुंदर सुंदर फल मूल कलकत्ता से लेकर के आते थे, और आ करके क्या करते थे मेरे गुरुदेव, उसको पहले तोटा गोपीनाथ के लिए हरिदास ठाकुर समाधि और श्री गंभीरा जितने जगन्नाथ जी, पहले उनके लिए निकालते थे, उनके लिए पहले निकालते थे, और सेवकों को भेज भेज करके मंदिर में, कल इस मंदिर में दे देना, उसी मंदिर में दे देना, उसी मंदिर में दे देना, पहले सारे मंदिर में दे देते थे, दे करके जो बचता था फिर उसको अपना मंदिर में व्यवहार करते थे। इसलिए नियम बताए, अगर धाम में जाओ ना, ठाकुर जी के लिए कुछ ना कुछ ले करके जाओ, कभी खाली हाथों में नहीं जानी चाहिए, है समझ रहे हो, जैसे धाम में आए हो, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जैसे धाम में आए हो, आकर के तो अपना लिए सब पैसा तो खर्च किया, लेकिन भगवान के लिए किया क्या, भक्तों के लिए किया क्या है, अपने लिए खर्चा किया तो तुम्हारे लिए हुआ है, लेकिन जब तक कुछ भक्तों के लिए नहीं करता ना, क्या होगा, तुम्हारी सुकृति नहीं बनेगी, तुम्हारी संस्कार सुकृति नहीं बनेगी, और सुकृति संस्कार नहीं बनेगा तो भक्ति भी बढ़ो कैसे, बढ़ नहीं पाओगे। इसलिए नियम है, धाम में आकर क्या करो, कुछ ना कुछ गुरु वैष्णव सेवा, ठाकुर को सेवा करनी चाहिए, नहीं तो हम जिसका ग्रहण करेंगे ना, हम उनका ऋणी बन जाएंगे। इसलिए आज हमारी विचित्र दीदी है, विचित्री हाँ, इसलिए विचित्र दीदी आज सारे भक्त लोगों के लिए जगन्नाथ जी का महाप्रसाद, यहाँ पर जगन्नाथ जी का प्रसाद भक्तों को खिलाने का बड़ा महत्व है, इसलिए स्वयं माँ देवी ये बैकुंठ छोड़, ये कैलाश छोड़ करके जगन्नाथ जी का प्रसाद को खिलाने के लिए उन्होंने पूरा कैलाश छोड़ करके यहीं पर आ गई,
और आकर के सबको जगन्नाथ का प्रसाद दे रहे हैं। इसलिए हमारे माता जी ने विचित्र दीदी है, उन्होंने आज सब भक्त लोगों के लिए, विचित्र दीदी सब भक्त लोगों के लिए आज उन्होंने जगन्नाथ जी प्रसाद दिया, इनके लिए ताली बजा दो। इसलिए मतलब जगन्नाथ महाप्रसाद की जय। इसलिए कहते श्री नित्यानंद प्रभु ने अपना ठाकुर जी के लिए कपड़े और उन्होंने क्या लेकर के आए, उनके लिए थोड़ा विशेष चावल लेकर के आए, ठाकुर जी को चावल लेकर के आए। फिर गाधर पंडित ने उसको रसोई बनाया और यहाँ से जो वहां जो साग होता है ना, जो हरी पत्ती का साग है, यहाँ से जंगल से इकट्ठे करके उन्होंने वो सब्जी बनवाए और उन्होंने बड़े सुंदर ठाकुर जी के लिए चावल और जो इमली पत्ता, इमली खाए हो जिंदगी, इमली कैसे लगता है, खट्टा, जो कोमल कोमल अच्छे हैं, अच्छे अच्छे कोमल कोमल पत्ते को उन्होंने पीस करके उसमें नमक डाल करके, उसमें नमक डाल करके उन्होंने चटनी बनाया ठाकुर जी के लिए। अभी ठाकुर जी को भोग लगाया गोपीनाथ जी को, चैतन्य महाप्रभु रोज क्या करते थे, समुद्र में आते थे स्नान करने के लिए, समुद्र में स्नान करके और महाप्रभु तो यहीं पर आ गए। महाप्रभु आकर के उन्होंने देखा जो चावल बनाया था ना, बड़ा खुशबू निकल रहा था, बड़े सुंदर खुशबू निकल रहा था, बोले भैया बड़े सुंदर खुशबू निकल रहा है। कहते नित्यानंद प्रभु चावल लाए, कहां से लाए, बंगाल से, और बनाया किसने, बोले गदाधर पंडित। बोले गदाधर पंडित कौन, बोले राधा रानी है, वो अमृत हस्ता है, बनाया श्री राधा रानी। अरे भोग किसने, किसको लगाया, बोले गोपीनाथ जी को। किसको भोग लगाया, गोपीनाथ जी को। इतने सौभाग्य और मेरे को निमंत्रण नहीं दिया, और अकेले अकेले प्रसाद खाने जा रहे हो, मेरे को निमंत्रण नहीं दिया। जब बोले, बोले प्रभु सब तो आपकी है, सब आपकी है, इसलिए अब भी आओ, आज आप प्रसाद पाओ। अरे महाप्रभु यहीं पर बैठ करके उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया, प्रसाद ग्रहण करने, प्रसाद जब उन्होंने ग्रहण की, उसको बाद में और जितने भक्त लोग थे ना, उन लोगों ने क्या किया, महाप्रभु जो प्रसाद पाए सब लूट करके, जैसे गुरुजी प्रसाद पाने के बाद क्या करते, शिष्य लोग लूट पाट कर खाते हैं ना, ऐसे ही महाप्रभु जो प्रसाद पाए, जितने महाप्रभु का भक्त थे क्या किया, उन्होंने सब लूट मार करके, यार मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, सबके सब महाप्रसाद को ही पर उन्होंने लूट मार करके महाप्रसाद को उन्होंने सेवन किया है। इसलिए ये स्थान का नाम क्या पड़ गया, टोटा गोपीनाथ नाम पड़ा। और जो गदाधर पंडित, कहती है राधा रानी थी, इसलिए महाप्रभु ये पहले बंगाल में महाप्रभु के साथ में रहते थे, लेकिन जब महाप्रभु सन्यास ग्रहण करके श्री पुरी आए, गदाधर पंडित भी महाप्रभु साथ में चले आए। अभी राधा रानी कृष्ण को छोड़कर कहां जाए, कृष्ण को छोड़कर उनको साथ में चले आए और यहीं पर सेवा करते थे। और गदाधर पंडित ने उन्होंने क्या लिया, बोले मैं क्षत्र संन्यास लूंगा। क्या लूंगा, पता है क्षत्र संन्यास क्या होता है, क्षत्र संन्यास मतलब होता है ये जगन्नाथ पुरी छोड़ करके इससे बाहर में कभी नहीं जाऊंगा, इसको कहते हैं क्षत्र संन्यासी। इन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया, मैं रहूंगा तो श्री पुरी धाम में ही मैं रहूंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने क्षत्र संन्यास क्यों लिया, कारण क्या, बोले कारण है महाप्रभु अभी पुरी में रहेंगे सन्यासी के बाद में। पर कभी कभी होता है ना, गुरुदेव क्या करते हैं, भैया तुम यहाँ प्रचार करने के लिए जाओ, तुम वहां प्रचार करने के लिए जाओ, तुम वहां प्रचार करो, इसी सेवा में जाओ, जैसे महाप्रभु आदेश देते हैं। उन्होंने डर के मारे महाप्रभु हमें अपना चरण से कहीं बाहर हमें नहीं निकाले, इसलिए उन्होंने क्षेत्र संन्यास ले लिए। बोले हर समय श्री चैतन्य महाप्रभु साथ में मैं रहा करूंगा, महाप्रभु को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन महाप्रभु 6 साल उन्होंने अलग अलग स्थान पर उन्होंने प्रचार करने के लिए गए, महाप्रभु दर्शन करने के लिए गए, सब जगह में महाप्रभु का चरण पड़े, देश का कल्याण हो, भगवान की देश का कल्याण हो। इसलिए महाप्रभु जब जा रहे इतना दक्षिणी यात्रा में, इतने में गदाधर पंडित बोले मैं भी जाऊंगा, क्योंकि राधा रानी अभी कृष्ण को छोड़कर कहीं रह सकते थोड़ी, और रहेगी तो राधा जी के साथ में रहेगी ना। महाप्रभु ने बोले तुमने क्षेत्र संन्यास लिया है ना, क्षेत्र संन्यास मतलब क्या, जगन्नाथ पुरी छोड़कर कहीं नहीं जाना, इसको कहते ना क्षेत्र संन्यास। बोले हाँ, बोले तुम क्षेत्र संन्यास लिए हो तब तुम क्षेत्र छोड़ करके पुरी छोड़ करके कैसे जाओगे। तो उन्होंने बोले मैं क्षेत्र संन्यास क्यों लिया था, इसलिए लिया था आप इसी पुरी में रहोगे, आपकी सान्निध्य,
आपकी सेवा मिलेगा, इसलिए मैं क्षेत्र संन्यास लिया था, लेकिन आप तो मेरे को छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए मेरे जो क्षेत्र संन्यास है ना वो रसातल में चले जाए, ऐसे क्षेत्र संन्यास में नहीं चाहता हूं जिसको द्वारा तुम्हारी संघ में प्राप्त नहीं हो। जैसे छोटे अगर पिता कहीं जा रहा है, अगर पिता कोई काम में जा रहे हैं, बच्चा क्या करता है, बोले पिताजी मेरे को साथ ले चलो, पिताजी कहते नहीं बेटा मैं तो दूर जा रहा हूँ कोई विशेष काम, बच्चा कभी क्या करता है पीछे रो रो कर चलता कर रोता है ना, बोले नहीं पिताजी को साथ में भी चलूंगा, मेरे को भी साथ में ले चलो। उसी तरह गदाधर पंडित जी महाप्रभु को पीछा नहीं छोड़े, उनको पीछे पीछे चले, महाप्रभु मना कर रहे थे लेकिन बच्चे जैसे उनको पीछे पीछे ये चलते रहे, पीछे पीछे चलते रहे, चलते चलते कर इसलिए कहते हैं जब राधा रानी कथा करती है वो कथा में कितना मीठा सा नहीं होगा, कितना मीठा नहीं होगा। इसलिए जब राधा रानी कथा गदाधर पंडित कथा करते थे, कौन बैठ कर कथा सुन रहे थे, स्वयं चैतन्य महाप्रभु। जब चैतन्य महाप्रभु सुनते थे तो ठाकुर जी गोपीनाथ जी क्या करेंगे, बोले गोपीनाथ भी बैठ जाते थे, गोपीनाथ भी बैठ करके अपनी कथाओं को गोपीनाथ भी सुनते थे। कहते ये एक कारण है गोपीनाथ जी क्यों बैठे हैं। कहते ठाकुर फिर और कहां पर गोपीनाथ जी बैठे, बोले गोपीनाथ तभी बैठे जब कृष्ण रासो से अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान होने का बाद गोपियां जब श्याम सुंदर को ढूंढ रही थी, श्याम सुंदर कहां है, श्याम सुंदर कहां है, जब मिले नहीं तो गोपियों ने क्या बताया, बोले देखो एक काम करो, कृष्ण को ज्यादा ढूंढने का ना, कृष्ण खुद को छुपाने के लिए कोशिश करेंगे, फिर उनको कष्ट होगा। इसलिए उपनिषद कहता है न अयम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुना सिद्धन, जो आत्म तत्व है वो प्रवचन को द्वारा प्राप्त नहीं होता है, बुद्धि को द्वारा प्राप्त नहीं होता है, है? न बहुना सुते न ज्यादा सुनने पर भी प्राप्त नहीं होता, मिलता कब, बोले जमे बैसे ब्रिनुते तने लभ्य, सही जाने जा रहे देहु जाना है, उनको वही जान सकता है उन भगवान कृपा करके जिसको जनाते हैं। भगवान किसको कृपा करके जनाएंगे, हैं? कहते किसको जनाएंगे, बोले भगवान हैं? भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय है कलिजुगो केवल नाम आधारा और सुमिरी सुमिरी नर उतर ही परा। ठाकुर जी कीर्तन को द्वारा सबसे ज्यादा खुश हो जाते हैं, चलो हम सबके सब जमुना किनारे में बैठेंगे, जमुना कौन है, कृष्ण की पटरानी और श्री अनुराधा है और राधा कृष्ण का प्रेम ही द्रवीभूत होकर जमुना रूप में बह रही है, चलो हम जमुना किनारे में बैठ करके सबके सब क्या करेंगे, हम लोग गोपी गीत गाएंगे, उनका कीर्तन करेंगे। इसलिए उन्होंने जमुना किनारे में बैठ कर क्या गाए, बोले जयती तेधिकम जन्मना प्रजा श्रायत तेरा शाश्वत त्रहि दायित दृष्टता दीसुता अबका Yeah.